हे व्यूअर्स, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया फ्लाई। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। एंड लास्ट टाइम मैंने जो इंडिगो की गाउन स्टाफ वाली वीडियो बना रखी थी, ये रही वो वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको लिंक मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ पे गाउन स्टाफ की वैकेंसी वॉक इन चल रही है, वो सारी इन डिटेल मैंने अपने उस वीडियो में बता रखी हुई है। सो आप सभी ने जो कहा था कि गाउन स्टाफ के जीडी टॉपिक्स में कुछ कलेक्ट करूँ सो दैट आपको थोड़ी बहुत मदद मिल जाए, सो यस, मैंने कुछ जीडी टॉपिक्स कलेक्ट करे हैं। एंड इतने सारे क्वेश्चंस गाउन स्टाफ को नहीं पूछे जाते हैं जिस तरीके से कैबिन क्रू को पूछे जाते हैं। एंड समटाइम्स डिपेंड करता है एचआर का मूड पे भी, अगर आप उनको इनफ कॉन्फिडेंट नहीं लग रही हो या नहीं लग रहे हो तो वो आपसे कुछ ऐसे अटूट पटूट सवाल करते हैं जहाँ ताकि वो आपका कम्युनिकेशन लेवल चेक कर सके। अदरवाइज ग्राउंड स्टाफ की इंटरव्यू काफ़ी इजी और स्मूथ होती है, इतने ज़्यादा झमेले नहीं होते, इतने ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चंस नहीं किए जाते हैं, कुछ भी नहीं किए जाते। तो मैंने 7 to 8 क्वेश्चंस नोट डाउन करे हैं फ्रॉम माय सब्सक्राइबर्स जो कि अभी इंटरव्यू के लिए गए थे इंडिगो एयरलाइन में फॉर द ग्राउंड स्टाफ। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ आर एलिजिबल एंड आपको मालूम होगी ये। तो अगर अभी भी आप अगर अपने सिटी में इंटरव्यू का आपको पता चल रहा है तो अभी भी आप जा सकते हो, रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं, जस्ट गो विथ योर CV, दैट्स इट। ठीक है, तो बढ़ती हूँ सबसे पहले क्वेश्चन की और। नंबर 1, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन जो कि हर किसी को पूछी जाती है कि आपके बारे में बताओ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कोई भी चीज़ें हो सकती है, आपको जस्ट प्रिपेयर होना है। और रही बात हिंदी एंड इंग्लिश की, तो आप ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यू में थोड़े से मिक्स करके बात कर सकते हो, दैट इज़ टोटली फाइन। ग्राउंड स्टाफ में इतनी ज़्यादा इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट समवेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो उस हिसाब का नॉलेज रखना कि दैट यू डू अंडरस्टैंड इंग्लिश। ठीक है, एंड इफ दे विल फाइंड आउट कि आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, यू हैव अ जीरो नॉलेज इन इंग्लिश एंड यू स्टार्टेड स्पीकिंग इन हिंदी ऑल ऑफ अ सडन, सो डेफिनेटली दे गोना रिजेक्ट यू। या तो आप किसी रेफरेंस से ही लग सकते हो या कोई किसी की हेल्प से लग सकते हो, डायरेक्ट इंटरव्यू में तो आपको वो इस तरह से सिलेक्ट नहीं करेंगे। सो इसीलिए मिक्स करके आप बात कर सकते हो, बट प्रॉपर हिंदी इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। ठीक है, नंबर 2, टेल मी अबाउट योर फैमिली। सो इन ग्राउंड स्टाफ मोस्टली दे विल आस्क यू अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, व्हाट योर फादर डू, व्हाट योर मदर डू, अबाउट योर सिबलिंग्स। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा प्रिपेयर करके जाना कि आपके पापा क्या करते हैं, माँ क्या करती है, भाई बहन क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ी ज़्यादा पूछे ग्राउंड स्टाफ में, जस्ट दे जस्ट वॉन्ट टू हैव सम टॉक विथ यू, दैट्स द रीज़न। फाइन, नंबर 3, व्हाट डू यू नो अबाउट इंडिगो एयरलाइन। सो आप जिस एयरलाइन के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उनके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो ज़रूर होनी चाहिए। सो आप इंडिगो के बारे में क्या जानते हैं वो आपसे जानने की उत्सुकता रखते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा कि इंडिगो के बारे में आपको क्या मालूम है क्या नहीं मालूम है। फाइन, क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई शुड आई हायर यू एज अ ग्राउंड स्टाफ। सो आपको हम एज अ ग्राउंड स्टाफ क्यों हायर करें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो एज अ ग्राउंड स्टाफ आपको क्यों हायर करना चाहिए, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, क्या गुण है आपके अंदर में, आप ये सब चीज़ें बस बताना है, इसी से आपको उनको बताना। और वो एविएशन रिलेटेड आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, वो चीज़ें आप बताना। ठीक है, जैसे कि आप टाइम मैनेजमेंट कर सकती हो, आप अच्छा सकते हो या सकती हो, आप अच्छा बोल सकते, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, या फिर आप बोल सकते हो कि आप टीम लीडिंग बहुत अच्छा कर सकते हो, टीम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से आती है, यू नो हाउ टू हैंडल द कस्टमर, ये सब क्वालिटी एक एविएशन को चाहिए। एंड यही सब आप अगर अपने बारे में भी थोड़ी बहुत बताओगे तो दे विल डेफिनेटली गोना सेलेक्ट यू, क्योंकि उनको यही काबिलियत चाहिए जो कि एक ग्राउंड स्टाफ में होनी चाहिए। ठीक है, सो जस्ट अ हिंट, बाकी आपके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटी है, सो डेफिनेटली प्लीज एड ऑन ऑल दीज आंसर्स फ्रॉम योरसेल्फ टू। ठीक है, नंबर 5, टेल मी अबाउट योर स्कूल डेज। सो टेल मी अबाउट योर स्कूल डेज पूछा जाएगा मोस्टली, अगर रूम में 8 बंदे या लड़की या लड़का मिक्स होते हैं अगर हैं, तो वो कभी कभी ना एक टॉपिक भी देते हैं कि कौन कितना अच्छा बोल सकता है। तो मे बी टेल मी अबाउट योर स्कूल डेज ऐसा भी टॉपिक हो सकता है कि हाँ दे दिया, अब कौन अच्छा बोल रहा है, कौन अच्छी बोल रही है, कौन अच्छे से बात कर रहा है, तो वो डिपेंड करता है। सो स्कूल डेज के बारे में आपको अपनी थोड़ी बहुत ही व्याख्यान करनी है, व्याख्यान मीन्स थोड़ी सा डिटेल देना है, थोड़ी सी बातें करनी है, दैट्स इट। ज़्यादा नहीं बात करनी है, 2 मिनट 1 मिनट का ही मौका देते हैं। ठीक है, नंबर 6, योर ग्रेटेस्ट वीकनेस। सो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, सबसे बड़ी कमजोरी वो पूछ रहे हैं। एंड कुछ ऐसा कमजोरी मत बोलना जो आपको सिलेक्ट होने में मानना उनको मौका मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि इस वजह से आपको रिजेक्ट कर देंगे। एंड अगर आप अपनी कोई वीकनेस बताते भी हो तो उसको प्रॉपरली कंप्लीट तरीके से आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, करनी चाहिए कि क्यों वो वीकनेस है।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम एन इमोशनल पर्सन, मैं दूसरों को अगर रोता देखती हूँ तो मुझे भी रोना आ जाता है, अगर कोई हंस रहा है तो मुझे भी अच्छा लगता है, या कोई उदास है तो मैं उल्टा फील करने लगती हूँ, तो मेरी ये थोड़ी सी खामियाँ हैं, तो मैं बट इस चीज़ को मैं हमेशा पॉजिटिविटी के साथ बताती हूँ, जो कि वीकनेस फील नहीं होता, बट इट इज़ माई वीकनेस। सो ये मेरा एक एग्जाम्पल था जो मैं अपना शेयर कर रही हूँ। तो आपके अंदर भी ऐसी कोई चीज़ होगी जो आप शेयर करोगे वहाँ पे, ऑनेस्ट रहना है, बट उस ऑनेस्टी को थोड़े से टटोल मटोल के कहना है, अब इतना भी नहीं बोल देना। अगर मैं बोलूंगी मुझे दूसरों को देखे सिर्फ रोना ही आता है, ये मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, नहीं, इससे मैं पॉजिटिवली भी बता सकती हूँ कि मैं दूसरों की फीलिंग समझ सकती हूँ, ये मेरी एक बहुत अच्छी क्वालिटी भी है, बट हाँ इसको मैं वीकनेस की तरह मानती हूँ कि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज सामने वाला पर्सन कैसा है नहीं आई डोंट नो, एंड मैं उसको देख के अपना फील कर रही हूँ, एंड ये मेरी गलती भी हो सकती है, समटाइम्स मुझे भी इस चीज़ से ज़्यादा हर्ट हो सकता है, सामने वाला बंदा मुझे भी हर्ट कर सकता है ये क्वालिटी देख के। सो ऐसा चीज़ें मैं पॉजिटिविटी के साथ बनाती हूँ, बट मैंने उसको एज अ वीकनेस ही कहा था, बट फिर मैंने उसको कन्फ्यूज करके मैंने उसको बात बना के मैंने पॉजिटिविटी में डाल दी है। तो इसी तरीके से आपको भी करनी है, इस लेवल का मैं आपको समझाई हूँ। अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है, नहीं समझ पाते हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ओके। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइज, और लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा। प्लीज़ मुझे ये भी बताइएगा कि आप कौन से सिटी से, अपने घर से कहाँ से मुझे देख रहे हैं, और लड़का लड़की दोनों का ये, मैं जेंडर में ऐसे भेदभाव नहीं कर सकती, कहाँ से आप देख रहे हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप कहाँ से मेरे वीडियो देख रहे हो, ठीक है। नंबर 7 इज़ योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रेंथ में मैंने जैसे कि बताया कि आपकी कुछ अच्छी स्ट्रेंथ है, या आप बहुत ही ज़्यादा क्विक लर्नर हो, बहुत जल्दी चीज़ें लर्न कर लेते हो, ये आपकी एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। आपकी स्ट्रेंथ ये भी हो सकती है कि आप बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हो, आपकी ये स्ट्रेंथ है। आपकी स्ट्रेंथ ये भी हो सकती है कि आप लोगों को बहुत जल्दी कन्विंस कर सकते हो, ये भी एक स्ट्रेंथ है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आपकी एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो आपको खुद में ढूंढनी चाहिए कि आप किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हैं, उसी को एज अ स्ट्रेंथ यूज़ करके वहाँ पे भी आंसर करना है आपको इंटरव्यू के बारे में, ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन इज़ आर यू विलिंग टू ट्रैवल एंड रीएलोकेट इफ कंपनी रिक्वायर्स इट, इट मींस आप क्या ट्रैवल और रीएलोकेट कर सकते हो, जैसे कि आपको बेस मिला दिल्ली का, ठीक है, अब दे वॉन्ट यू टू शिफ्ट योर सेल्फ फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, सो क्या आप इस चीज़ के लिए कंफर्टेबल रहेंगे कि ऑल ऑफ अ सडन कभी आपको कंपनी कह दे कि ये भाई तुमको यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बंदे की कमी ज़्यादा है, वहाँ यहाँ ज़्यादा फुल हो गया, तो आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में, आप क्या करेंगे कंपनी को, तो ऑब्वियसली आपको कहना है कि दैट यू आर कंफर्टेबल रीएलोकेट करने के लिए भी एंड ट्रैवल करने के लिए भी। बाद में जो होगा सो आप नाक मार लेना वहाँ पे, बट यहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पे आपको पूरा इंप्रेस करना है, तो हमेशा हाँ 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 बोलना है, किसी चीज़ में ना नहीं बोलना है। अगर वो बोलेंगे रोटेशनल शिफ्ट में कंफर्टेबल हो तो हाँ बोलना है, दिन बुलाऊंगी तो आ जाओगे हाँ बोलना है, रात बुलाओगे तो आ जाओगे हाँ बोलना है, हर जगह हाँ कहना, ना कहीं नहीं करना है, कहीं भी गलत इंपैक्ट नहीं देना उनको, ठीक है, एंड वीकनेस एंड स्ट्रेंथ पे थोड़ा ध्यान देना आप। सो दिस इज इट गाइस, आई होप इट विल हेल्प यू, आई होप आपको डाउट्स क्लियर हो गए, और फिर भी कुछ भी क्वेश्चंस या डाउट्स रह रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, इट इज टोटली ओपन फॉर यू ऑल। एंड इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल priyafly, यू कैन डेफिनेटली फॉलो मी देयर। एंड अगर कोई स्क्रीनशॉट के साथ आपको मुझसे कुछ शेयर करनी है, कुछ बात करनी है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे DM भी कर सकते हैं, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।